क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? आपके भाई साहब का खून हो गया है। क्या खून हो गया? किसी दरबारी को बुलाओ जल्दी से। दरबारी, दरबारी बहुत जल्द आइए। मालिक, मालिक, दरबारी, दरबारी बहुत गजब हो गया। क्या हो गया मालिक? मेरे भाई का खून हो गया दरबारी। जल्दी जाओ, पुलिस को खबर करो, जल्दी पुलिस लेकर के आओ। पुलिस अभी जाके ला रहे हैं। जैन सर, जैन बड़ा गजब हो गया सर। क्या हो गया? मेरे भाई का खून हो गया, खून हो गया। क्या तुम्हारे भाई का खून हो गया है? मेरे भाई का खून हो गया है। खून किसने किया है ये मुझे नहीं मालूम। पहले यहाँ देख लीजिए कि कातिल कुछ अपनी निशानी तो नहीं छोड़ गया। ठीक है सिपाहियों, देखो यहाँ पर कातिल कोई अपनी निशानी छोड़ गया है? चेक करो जरा कायदे से। अरे वो कुछ पिस्तौल सी पड़ी है उधर। अरे ये देखो, लाओ। या भगवान, किसी का क्या बिगाड़ा था हमारे भारत। एक कपड़े में इसे कायदे से पकड़ो। देखिए ये रिवॉल्वर हमारे मुंशी रामदाल के हवाले कर दो। जी सर। और हाँ, आपने बताया महाराज का खून श्यामू बाबू ने किया है, तो ठीक है मैं वारंट जारी करता हूँ। मुंशी रामदाल जाओ, वारंट जारी हो चुका है और अपनी सारी फोर्स लेकर जाओ, श्यामू को गिरफ्तार करो। बहुत जल्द से गिरफ्तार कीजिए। अरे जो बेटा अपने बाप का खून कर देगा तो चाचा का भी कर देगा। वो तो सत्य है, उसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान, कब कितने समय क्या कर बैठे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने वारंट जारी कर दिया है, बहुत जल्द श्यामू हमारी गिरफ्त में होगा। ठीक है सर। ठीक है आओ चलते हैं। आ दोस्त, अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करो। या भगवान, या भगवान, ऐसा जमाना आ गया है। एक मेरे भाई का सहारा था, वो भी भाई मुझसे जुदा हो गया। या भगवान, मैं कहीं का नहीं रहा। धीरे से काम रखे दोस्त, धीरे से। मालिक, हिम्मत से काम लो मालिक। मैं क्या करूंगा, मुझे कौन सहारा देगा विजय से। अंतिम संस्कार करो, ले चलो भाई। विजय सिंह भाई का दर्द भाई समझता है विजय से। चलो चलो चलो। खून हो गया। हाँ भैया, और खून का इंजाम बड़े भैया श्यामू पर लगा है। नहीं द्वारपाल, नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं भैया, ये सच है। वारंट जारी हो चुका है, पुलिस उनको ढूंढ रही है भैया। क्या कहते हो द्वारपाल, भैया के नाम वारंट कट चुका है? हाँ भैया। और पुलिस भैया को ढूंढ रही है? हाँ। और भैया शिकार खेलने गए हैं, भैया को इस बात की खबर भी नहीं आए। द्वारपाल भैया, मुझे अब अपने भैया के पास जाना चाहिए और उनको ये बात बताना चाहिए कि पिताजी का खून हो गया है और खून का इल्जाम आप पर लगाया गया है। मुझे जंगल की तरफ
चलकर अपने भैया को ढूंढना चाहिए। भैया चलो द्वारपाल, जितना जल्दी हो सके भैया को। नहीं और हो गई नहीं पिताजी, और हो गई बापू बिना जिंदगी बर्बाद है। नहीं पिताजी, एक पल नहीं रहे रहे के आती याद है। आओ द्वारपाल, हम अपने भैया के पास चलते हैं। आओ घर चलो भैया। क्या भगवान, ये कितना सुंदर और सुहाना मौसम है। और अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद मैं शिकार खेलने आया हूँ और अपना कार्य करना चाहिए। चलता हूँ। हर ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ रास्ते में आए जो दीन दुखी, रास्ते में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भैया भैया तुम कहाँ हो भैया, भैया तुम कहाँ हो भैया। अच्छा भगवान, सी आवाज मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई रामू की है। ना जाने क्या बात है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रामू की आवाज और इस बियाबान जंगल में। देखता हूँ, चलता हूँ मैं भी। भैया भैया रामू, भैया रामू मेरे भाई, क्या बात है बोल। बहुत गजब हो गया भैया, बहुत गजब हो गया। आखिर क्या बात है, कुछ तो बोल मेरे भाई। भैया
पिताजी का खून हो गया भैया, पिताजी का खून हो गया। भैया श्यामू, पिताजी का खून हो गया मेरे भाई, और खून का इल्जाम आप पर लगाया गया भैया। हाँ भैया, तुम्हारे नाम वारंट कट चुका है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है भैया, तुम यहाँ से भाग जाओ भैया, यहाँ से भाग जाओ। रामू मेरे भाई, ये क्या हो गया, हम दोनों की जिंदगी में ये कैसी आग लग गई कि उसमें हमारी खुशियां जलकर राख हो गई। हाँ भैया, और हाय भगवान, क्या से क्या हो गया, और डूब कश्ती गई मेरी मझधार में। रामू मेरे भाई, तू महल से आ रहा है? हाँ भैया, मैं महल से ही आ रहा हूँ। जैसे ही मुझे खबर हुई कि पिताजी का खून हो गया और खून का इल्जाम आप पर लगाया गया, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है भैया, मैं भागा आपके पास चला आया भैया। ये बता, तू माजी से मिलकर आया है? नहीं भैया, अभी इस बात की खबर माजी को नहीं है भैया। हाँ भैया, ये पता, ये खबर अपनी माँ को नहीं है? अभी नहीं है भैया। मेरे भाई, अगर ये खबर माँ को लगेगी, मिलेगी, तो माँ रो रो के मर जाएगी, माँ रो रो के मर जाएगी। लेकिन मेरे भाई, हाँ भैया, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात भैया? कि ना जाने अब हमारी मुलाकात माँ से हो या ना हो, जाना और माँ को मेरा प्रणाम बोल देना कि भैया ने कहा था। भैया तुम यहाँ से भाग जाओ, वो देखो पुलिस आ रही है भैया, यहाँ से भाग जाओ भैया जल्दी। ठीक है मेरे भाई, मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ भैया। अब मुझे अपनी माँ के पास जाना चाहिए और इस बात की खबर माताजी को बताना चाहिए कि पिताजी का खून हो गया। माँ, भगवान, इतना वक्त हो गया, ना तो मेरे स्वामी जी वापस आए, ना तो मेरे बच्चे वापस आए, कुछ समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं। माँ, माँ, बेटा, माँ, बेटा, तुम्हें क्या हुआ मेरे लाल, क्या हुआ बेटा? माँ, पिताजी का खून हो गया। माँ, पिताजी का खून हो गया। नहीं भगवान, नहीं भगवान, जो मैं नहीं चाहती थी वही आज हुआ, आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भगवान।
पति का खून हो गया और खून का इल्जाम भैया श्यामू पर लगाया गया। माँ भैया श्यामू पर लगाया, मेरे श्यामू पर खून का इल्जाम लगाया गया। नहीं भगवान, आज तो मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई भगवान। भैया के नाम वारंट कट चुका है, पुलिस भैया को ढूंढ रही है माँ, ढूंढ रही है। क्या कहा? पुलिस मेरे बेटे श्यामू को ढूंढ रही है, ये सुनते मैंने पहले क्यों नहीं मर गई भगवान, पहले क्यों नहीं। लेकिन माँ मैंने भैया को भगा दिया है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही, तुम यहाँ से भाग जाओ भैया। वो यहाँ से बहुत दूर चले गए माँ, बहुत दूर चले गए। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो भैया को अपने भगा दिया। भैया ने कहा है कि जाते वक्त मेरी माँ से प्रणाम करना। प्रणाम? अब मैं क्या करूँगा माँ, मैं क्या करूँगा। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। मने का लूट गया। बेटा बेटा किसी दुनिया में है कोई नहीं, अब आग लगे या बर्फ गिरे। बेटा आग लगे या बर्फ गिरे, अरे मानी भरा दिल टूट गया। कर टूट गया घर बार लुटावर बाद हुए आई याद चमन का लूट गया। बेटा मत रो मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, मत रो। खून हो गया और तू रोज दरबार में रंगेजे बना रही है, तो खून श्यामू ने अपने पिता का किया। खून श्यामू
ही है खबर, सांप को पाल रखो और अस्तीन में दस नियम में रफाई को है बेखबर। जा झूठा इल्जाम सामू पे धरते हो तुम, झूठा इल्जाम सामू हम ना झूठा इल्जाम सामू पे धरते हो तुम, सपने में मुझको आया मुझे ध्यान है, खून सामू ने हरगिज हर किया है नहीं, साबित हुआ। अरे झूठ हो या सही ये देख करने में पूछना नफा पाऊंगी। खुफिया अरे खजाने कहे और कहां पर गड़ी है ये सारी रकम। दरबार मैं अपने दुश्मन को ज्यादा देर तक देखना नहीं।
नहीं चाहता हूँ। मेरे बच्चे को कैद मत करो। और बेखता कैद चाचा, ना मुझको करो हाल पर मेरे नजरे करम की। सताया हुआ मैं हूँ माँ तुम दुख का, सताया हुआ इस कदर अब ना जुल्मो सितम की। वक्त है, समय है, मैं कह रहा हूं जो खोबिया खजाने का लगता है मुझे दे दो। याद रखो अगर नक्शा नहीं मिला तो जान महलों में राज कर रही हो तो कल तुम कलियों की भीख मांगोगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं सोच लो, टाइम हाथ वक्त है। बेटा बेटा मेरे लाल, छोड़ना मत माँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता माँ। साला नहीं जी सकता है। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। दूर न कर मुझको तू पास बुला ले, से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। अरे समझा दे अपनी माँ को, दे दो खुले खजा नहीं लगता। मैं सोच लो कांत लाना हमला अपने पिता का मर्डर पे श्याम की तलाश पुलिस कर रही है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी खैर रहता है